जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जयंत व्लॉग्स। मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जयंत व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि आप अपने यूट्यूब वीडियोस का या फिर किसी ब्लॉगिंग का या फिर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि यूट्यूब में से, फेसबुक में से, इंस्टाग्राम में से या फिर ट्विटर बाकियों में से किसे चूज किया जाए, तो ये वीडियो आप देखने के बाद आप एक जजमेंट कर पाओगे आप अपने एडवर्टीजमेंट को लेकर कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। और मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं करूंगा, आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस बेस पे मैं बातें कर रहा हूं, मेरे पास क्या प्रूफ है उसके रिगार्ड में बात करूंगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कुछ एड्स चलाए थे और काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और उसके रिगार्ड में ही मैं बात करूंगा। इससे पहले अगर आपने इसकी पहली पार्ट नहीं देखी है तो पहली पार्ट आप देख लीजिए। पहली पार्ट में मैंने बताया है कि किस तरह से आप फेसबुक के ऊपर अपने एड्स अकाउंट जो होता है उसे आप क्रिएट करोगे। और मान लो यदि आपका फेसबुक का जो अकाउंट है, पेजेस है, उसके ऊपर से बूस्ट हट चुका है, यानी कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसे स्टॉप कर दिया है आपकी फेसबुक ने, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हो आप? बेसिकली आप एक अपील कर सकते हो, अपील के बाद आपका ठीक हो जाता है। और यदि इन सब केस, जैसे मेरे केस में वो अपील के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने एक नया अकाउंट ही बना लिया और नए अकाउंट से अपना एडवर्टीजमेंट शुरू किया है। चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और यदि आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक एड चलाया था फेसबुक के ऊपर और उस एड पे आप विश्वास नहीं करोगे कि मात्र 72 रुपए में 52,000 से ज्यादा रीच मेरे वीडियोस के ऊपर आए। मेरे एडवर्टीजमेंट को 52,000 लोगों ने देखा और एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लेकिन अगर आप सेम वे अगर आप बात करते हो 52,000 के अप्रॉक्स रीच पाने की एडवर्ड के ऊपर, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि आपको लगभग 400 से 500 रुपया या फिर उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको यूट्यूब आपके जो गूगल एडवर्ड होता है इसके ऊपर करना पड़ जाएगा। सो अगर आप मुझसे पूछते हो कि कौन सा सबसे बेस्ट वे है, चीपेस्ट वे है और अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला वे है जिसके थ्रू हम अपने एडवर्टीजमेंट को कर सकें, तो मैं आपसे बोलूंगा कि फेसबुक एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सस्ते दाम पे टारगेटेड अपने जो भी एडवर्टीजमेंट होता है उसे करने का। पहले आप एक छोटा सा डेमो देख लो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे क्या करना है, क्या चूजेस करने होते हैं। हालांकि पूरी सेटिंग नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो मैं पेड कोर्स के अंदर दिखाता हूं। अगर आपने नहीं लिया है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने फेसबुक के एडवर्टीजमेंट को कर सकते हो। थोड़े पैसे लेता हूं, नो डाउट पैसे के लिए हर कोई काम करता है। तो चलिए पहले एक छोटा सा डेमो देख लीजिए, डेमो देखने के बाद फिर मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। दोस्तों, ये है मेरा फेसबुक अकाउंट और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब आपको फेसबुक पे एड चलाना हो तो कहां जाना होता है, तो वो होता है एड्स मैनेजर। तो चलिए मैं आपको एड्स मैनेजर में दिखाता हूं कि कितने व्यू मेरे आए, यानी कि कितनी रीच हुई और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। सो अभी ये लोड हो रहा है मेरा जो एड्स मैनेजर है और ये आपके सामने लोड हो चुका है। सो ये देखिए, ये मैंने एक वीडियो था हमारा, आपको याद होगा क्लास प्लस के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था जिसके लिए मैंने चलाया था आपका एड, ठीक है। ये 2 दिन पहले एक चेकिंग करने के लिए मैंने चलाया था ताकि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूं। सो देख सकते हैं कि अमाउंट कितना स्पेंट हुआ है इस पर, टोटल 73.88 पैसा, यानी लगभग 74 रुपये मान लो अब, ठीक है। और मुझे रीच कितना मिला है तो 54,784, यानी कि 54,784। सो कैन यू इमेजिन कितने पे कितने का मतलब एक तरह से आपका पड़ा रीच। तो कैलकुलेटर मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक अंदाजे के लिए कि क्या इन्वेस्टमेंट आती है आपको अगर आप इसके ऊपर चलाते हो तो। और देख लो, मैं डिवाइड करता हूँ किससे, तो 73.88, यानी कि 1 रुपए पे मेरा लगभग 741 व्यू मेरे को मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी एडवर्टीजमेंट सिस्टम। आप चाहे गूगल एडवर्ड को ले लो, चाहे आप किसी अन्य एडवर्ट सिस्टम को ले लो, उन सब में बहुत ही ऑप्टिमाइज और बहुत ही अच्छा इस पर एडवर्टीजमेंट मिला है। हालांकि जो मेरा पहला वाला अकाउंट था जिसमें मैं चलाता था, उस पर इतने ही रुपए में मैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा का इंप्रेशन लेकर आ सकता था, 1 लाख से ज़्यादा का रीच लेकर आ सकता था, लेकिन थोड़ा सा मेरी ऑप्टिमाइजेशन बस हड़बड़ी में किया इस वजह से। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करोगे एंड ऑल, आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो और आप सीख सकते हो कि किस तरह से आपकी ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। आई होप आपने वीडियो देखी और आपको ये समझ में आया कि भाई 72 रुपए खर्चे करके मैंने 52,000-53,000 के आसपास मैंने रीच ले आया। सो आप इसका मतलब समझ पाए कि इसका मतलब क्या है। देखो, फेसबुक के ऊपर कई तरह के एडवर्टीजमेंट की ऑप्शंस होते हैं, नॉट लाइक आपके एडवर्ड पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन फेसबुक के ऊपर इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप सोच नहीं सकते कि भाई आप किस तरह से क्या करोगे।
यदि आप सोचते हो कि सिर्फ हम एंड्रॉयड 9 वाले को दिखाएं कि भाई सिर्फ एंड्रॉयड 9 वर्जन वाला एडवर्ट ऐड देखे मेरा, तो वो भी आप कर सकते हो। आप सोचते हो कि भाई कोई लेडीज देखे, जेंट्स देखे, या फिर आप ये सोचते हो कि कोई iOS 13 यूज करने वाला देखे या iOS 11 वाला ही खाली देखे, आप मतलब फेसबुक इस हद तक आपके घर में घुस चुका है कि वो आपके हर एक चीज को जानता है, हर एक कैटेगरी बना रखा है, और ये भी जानता है कि भाई सिर्फ आप आईफोन 11 वाले को दिखाना चाहते हो या फिर नोटबुक रेडमी के नोट 9 वाले को दिखाना चाहते हो, तो आप हर एक चीज की सेटिंग वहां से कर सकते हो और वो एड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ऑप्टिमाइज होकर दिखता है। तो चलिए एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूं कि किस तरह से आप अपनी सेटिंग्स को करोगे, किस तरह से एड्स को करोगे। कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सेम वे पेड है वो, और फ्री में मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखाऊंगा कि कौन से ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, किस ऑप्शन का क्या मतलब है। फिर से बोलता हूं, यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आपके लिए अब आने वाली हैं, क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियोस आपकी यूट्यूब के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर, आपको दिखाता हूं कैसे सेटिंग का सेटअप करना होता है, एड का सेटअप करना होता है, नॉट सेटिंग का। चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से, अगर आप नए हो एड के ऊपर तो आप किस तरह से अपने एड को क्रिएट करोगे। बहुत ही एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा बस, ताकि मैं जल्दी से ये वीडियो खत्म कर सकूं, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपका, चलिए मैं बिगनिंग से शुरू करता हूं। आपको सबसे पहले आपका facebook.com/ads manager पे आ जाना है। आप कभी भी यहां से एडवर्ट इसका इस्तेमाल करके आप एड्स मत देना, लाइक अगर मैं अपने पेज पर लेकर आऊं, और यदि तक आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो यार प्लीज फॉलो कर लो मेरे को, आप फेसबुक इंस्टाग्राम और हर जगह पे मैं वहां मिल जाऊंगा आपको। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सेम इवेंट मैंने जो बूस्ट किया था क्लास प्लस वाला, आपको मैंने दिखाया कि 54,000 के आसपास मेरे को व्यू आए, रीच आया। लेकिन अगर आप सेम चीज को यहाँ देखोगे तो ये अगर मैं बूस्ट करूँगा तो इसकी जो मतलब रेंज होगी वो लगभग 700 से लेकर 1,500-2,000 के आसपास 70 रुपये में मात्र मिलेगी। तो इसकी रीच हमेशा बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है आपकी जो एड्स मैनेजर के थ्रू होते हैं। और एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप फेसबुक एड्स मैनेजर में आप अपना ऐड डालते हो तो वो इंस्टाग्राम और ये हर दोनों जगह पे आपकी जो रेंज है सेम चलेगी। तो आपको सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक कर लेना है, आपका न्यू कैंपेन आ जाएगा। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे जिसमें अवेयरनेस, कंसिडरेशंस और कन्वर्जेशंस के कन्वर्जन के ऑप्शन आपको दिखते हैं। मैं बस एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या चीज़ है। यदि आप देखो अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हो कि भाई मैं आ गया हूं मार्केट में, मैं शेयर हूं एंड ऑल, मेरी ये ब्रांड नेम है, आप बस एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा आप एक कह सकते हो कि फोटो दिखाना चाहते हो एड्स का, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक का फ्लिपकार्ट के ऐड आते हैं एंड ऑल, तो आप उस पर रीच पे जा सकते हो या फिर ब्रांड अवेयरनेस को चूज कर सकते हो। रीच हमेशा बहुत अच्छी, कम पैसे में अच्छा खासा आपको रीच मिल जाता है। ठीक है, यदि आप अपने लीड जनरेट करना चाहते हो या फिर अपने वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्शन चाहते हो तो आप ट्रैफिक का चूज़ करोगे, इंगेजमेंट का चूज़ करोगे। अगर आपके पास कोई ऐप है तो ऐप इंस्टॉलेशन के लिए आप अगर लिंक देना चाहते हो तो ऐप इंस्टॉल को क्लिक कर लोगे। वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, मैसेजेस, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन फिर सेम होता है, आप अगर उस वीडियो का कन्वर्जन होने के बाद, उस ऐड के कन्वर्जन यानी कि परचेज हो जाने के बाद आप पेमेंट कटवाना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर आपका कोई ई कॉमर्स पोर्टल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू विजिट योर फिजिकल स्टोर्स वेन दे आर नियर टू देम। ठीक है, सो आज हम बात कर रहे हैं रीच के बारे में, तो मैं रीच के लिए कंटिन्यू करूंगा। और जैसे ही आप रीच के लिए कंटिन्यू करोगे, आपका एक ऐप का नेम, कैंपेन का नेम एंड ऑल यहाँ पूछेगा आपसे। पहला पार्ट हमेशा बहुत ही अच्छा होता है, सेकेंड पार्ट जो होता है वो मेन होता है जो आप इसे देख रहे हो, और इसमें ही आपको चूज करना है कि आपका एडवर्टीजमेंट किस हिसाब से, किस बजट पे और कितने लोगों को दिखाएगा। तो आपको सारी सेटिंग यहाँ से करनी होगी, जो मैं आपको, जो हमारे कोर्सेज हैं उसके अंदर मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। यदि आप सीखना चाहते हो ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज एड्स, अपने बिजनेस अपने ब्रांड के ऊपर चलाना, और आपकी यूट्यूब की वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो रही है, तो आप अगर सोचते हो कि मैं अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करा लूँ कम पैसे में, अपनी अच्छी खासी व्यूज़ जनरेट कर लूँ या फिर वॉच टाइम जनरेट कर लूँ, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड यू कैन ज्वाइन अवर कोर्सेज एनी टाइम। जस्ट कॉन्टैक्ट मी थ्रू द कमेंट सेक्शन and I am always available to make a comment on your comment, okay? So, I hope आपको समझ में आया होगा कि क्यों Facebook ads बहुत ही अच्छा माना जाता है। I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में एक नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।